इहोवा में भाजपा उम्मीदवार सरेआम कर रहा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। इहोवा अम्बाला रोड पर भाजपा के दफ्तर के सामने रोड पर झंडे लगे दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग आचार संहिता को लागू करवाने में नाकाम। भाजपा उम्मीदवार व चुनाव चिन्ह के पोस्टर बिना अनुमति के काफी गाड़ियों पर देखे जा सकते हैं। भाजपा नेता के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों की नहीं कोई परवाह। अगर आज ही भाजपा नेता कानून को सरेआम ठेंगा दिखाई देते नजर आ रहे हैं तो सत्ता में आने के बाद क्या हाल होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पार्टी आज बेवा में आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन कर रही है। इन्होंने मेन हाईवे जो NH 74 या 75 है, कोई भी ऐसी परमिशन नहीं है कि हम सार्वजनिक स्थलों पर और हाईवे के ऊपर झंडे लगाएं, और जो इनकी गाड़ियां चल रही हैं वो इनकी बिना परमिशन के चल रही हैं। अगर ये कहीं फार्म भरने जाते हैं तब भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। मैं बेवा से और बेवा के प्रशासन से और EC जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं यहाँ से, उनसे निवेदन करूँगा कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जो सार्वजनिक स्थलों पर और जो हाईवे पर इनके झंडे लगाए गए हैं उनको तोड़ा जाए। ये BJP सरकार द्वारा और जो कल हमारे CM जी जो आए हुए थे उनका चौक में बहुत सजाया हुआ था, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, जो कि सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।